नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुद्वारा पटना साहिब में टेका मत्था, अरदासियों को परोसा लंगर। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, एलजी पर छोड़ा फैसला। दिल्ली के फ्यूजन कार शोरूम फायरिंग केस में शूटर मोहित कोलकाता से गिरफ्तार। सीबीएसई ने जारी किया 10वीं-12वीं का रिजल्ट, 87.98% स्टूडेंट हुए पास। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, 17 मई को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। मुंबई में सिग्नल फेल होने के कारण सेंट्रल लाइन बस सर्विस प्रभावित, 30 मिनट देरी से चल रही ट्रेनें। ग्वालियर में रिटायर्ड जवान ने 3 लोगों को मारी गोली, बिजली का तार लगाने को लेकर हुआ था विवाद। अहमदाबाद के नगर निगम की बस ने 8 गाड़ियों को मारी टक्कर, 4 लोग हुए घायल। लखनऊ के गोमती नगर स्थित विबगियर स्कूल में बम की सूचना से हड़कंप, बच्चों को बाहर निकाला गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान रवाना, चाबहार पोर्ट डील पर हस्ताक्षर करने की संभावना। मुजफ्फराबाद में विरोध प्रदर्शन के बीच ईएम जयशंकर बोले, पीओ के भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में अवैध जमावड़े को हटाने के लिए केंद्रीय बलों ने किया लाठीचार्ज। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।